Hey guys, welcome to our channel Room with Kiran Sachin और हम लोग जा रहे हैं सुजुकी के सर्विस सेंटर में जो कि थाने में है, जहाँ पर हमने हमारी वीस्ट्रॉम 650 को रखा था फॉर इंश्योरेंस थिंग्स। इंश्योरेंस क्लियर हो गया है अपना, इंश्योरेंस में बाइक वाइक बनकर आ गई है, बट दीज गाइज दे आर ट्राइंग टू चीट अस, एंड हाउ दे आर ट्राइंग टू चीट अस वो हम पता करेंगे और हम आपको प्रॉपरली बताएंगे एक बार हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं सर्विस सेंटर में। और तब दीज गाइज दे आर नॉट पिकिंग अ कॉल, इंश्योरेंस के बंदे का भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। वी ऑल द डिटेल्स वंस वी रीच दैट स्पॉट। ये ट्रैफिक से जूझते हुए हम लोग पहुंचते हैं वो जगह पे और फिर आगे की बातें करते हैं। गाइस, एक घंटा भी ना हम लोग के लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग एक दो घंटा भी उधर डालेंगे ना आज इधर से राइड करके, तो वी आर गोइंग टू लिटरली एक्सपोज दिस गाइस टूडे। सिंपल स्टोरी है, मेरा ट्रायम्फ सुजुकी से ज्यादा एक्सपेंसिव है और उसका कॉस्टिंग वो लोग ने 500 लिया है मेरे से। चला सेटल रिम क्यों काटा है आप लोग ने और किससे पूछ कर काटा आप लोग ने? कट करने जो बोला ना उसका रिकॉर्डिंग फोन लगा है ना सर? फोन लगा हम लोग क्योंकि आपको बोला था कि वो आप लोग ने हम लोग से बात क्यों नहीं किया? हेलो विजय, हाँ आपने कट करने बोला था रिम? हाँ, वो तो ऑलरेडी डैमेज ही था ना, रिम बैंड ही था ना वो। आपने कट करने क्यों बोला? मैं 20% पे कर देता ना। 20% ना, मेरे पास एक बैकअप रिम रहता, मैं 20% देके आपको मैं ले लेता। कटना नहीं होता ना, मैं उसको 20% देके ले भी लेता। आपने भी वो पूरा डैमेज नहीं करा। आप एक बार बोलना चाहिए था ना कि एक बार कस्टमर को पूछो 20% देके रिटर्न लेते होते, क्योंकि हम लोग जाते काम में आ जाता है, उसको रिपेयर करके काम हो भी जाता है कभी कभी। अब गोइंग फॉरवर्ड किसी को भी ऐसा डैमेज या कट करने मत बोलो। आपके साइड से एक भी बार आपने बोला ही नहीं कि सर आपको चाहिए क्या 20% सैलरेज अमाउंट, आप भर दो एंड यू कैन टेक। उसके बाद फिर से बात की थी। हाँ, कि आपने बोला कि मैं लिखी जाऊँगा, वो मुझे चाहिए था। वो क्या होता है, काफ़ी टाइम पे ना, नहीं नहीं काफ़ी टाइम पे कैसा होता है ना, काफ़ी टाइम पे नहीं मांगते इंश्योरेंस वाले, तो इवन सैलवेज, अभी मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सैलवेज का भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट सिंस यू आस्क तो ये लोग ने कट ही कर दिया। हाँ वो मैं बात कर रहा हूँ। अभी क्या करना है, आप कितना कर रहे हो जो 7000 में से 2000 आप एक बार मुझे फाइनल अमाउंट बता दो। हाँ मुझे टेक्स्ट कर दो। इनका गलती भी है, इनका भी है, इनका छोड़ दे, पूरा अमाउंट दे दो। अब वॉशिंग का और ये वाला हो गया था, क्योंकि आप लोग को अगर सचिन, अभी मुझे नहीं पता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, आप लोग को अगर सचिन में 6500 लगा तो आपको एडा पाया, क्योंकि 6500 नहीं होते। लास्टला तो बोल रहा है कि 800 में जो होंगे सगळं सांगितलं, सगळं ऐकलं ते। गाइज दिस इज नॉट लीगल, यू कांट कट द रिम। बेसिकली क्या होता है, एक बार मुझे पूछना चाहिए सर आपको रिम चाहिए क्या, अगर चाहिए बोला तो मैं 20% इसका पे करके आई कैन टेक दिस। यहाँ पर काम हो गया है,
स्टोर पर जाते हैं और डिटेल में बताते कि यहाँ पर क्या हुआ हमारे साथ एग्जैक्टली। सो गाइस, जो भी वीडियो का स्टार्ट में हुआ था वो कल हुआ था, हम लोग को स्टोर पे आके बताना था, बट वी वर रियली स्ट्रेस्ड आउट। वी डोंट लाइक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ, नीदर हम लोग को किसी को स्ट्रेस देना था। वी वर ऑन राइड एंड आई रिमेम्बर हाउ कम्प्लीटली हाउ स्ट्रेस्ड आउट ही वॉज, बिकॉज इंश्योरेंस गाय वो इसको प्रेशराइज कर रहा था, और ये क्योंकि क्या हो गया था ना, हम लोग का कैशलेस नहीं था, तो इंश्योरेंस वाले लोग इतने टाइम तक पैसा होल्ड करके अपने पास नहीं रख सकते, तो उनको जल्दी से जल्दी डिसबर्स करना था उतना पैसा सचिन के अकाउंट में जितना भी इंश्योरेंस में लगा। एंड ही वॉज ट्राइंग टू कॉल द सर्विस सेंटर गाय, दे वर नॉट पिकिंग अप द कॉल ओनली, और दो बार स्विच ऑफ आया। कैशलेस होता ना तो ये सब भसड़ होता ही नहीं, इसमें क्या इन लोग को लगा कि ये तो अप्रूव हो ही जाएगा, तो बेसिकली ये कैशलेस नहीं था। तो कैशलेस नहीं होता है, मतलब आपको एडवांस देना पड़ता है या फिर फुल अमाउंट देनी पड़ती है। तो टोटल जो आ रहा था दैट वाज 1,20,000। मैंने कुछ पूछा नहीं, मुझे लगा रिम्स की कॉस्टिंग इतनी 1,20,000 की आती है, बट रिम की कॉस्टिंग जो थी दैट वाज अराउंड 1,09,000 फॉर बोथ फ्रंट एंड रेयर रिम, दोनों का होता है। उसके ऊपर सुजुकी वालों ने दो तीन चार्जेस लगाए थे, वॉशिंग का एंड बैटरी चार्जिंग, दैट इज़ ऑल फाइन। वॉशिंग का 500 लगाया था, दैट इज़ ऑल्सो लिटिल बिट मोर, बट बड़ी बाइक की सर्विस सेंटर तो वहां पे ठीक है। बैटरी चार्जिंग का 200 वो भी ज्यादा है, वो भी ठीक है, वो इग्नोर कर दिया। मैं बोला चलो मैं 700 रुपए आपको दे सकता हूं, बट जो रिम फिटिंग एंड स्पोक फिटिंग की जो कॉस्टिंग थी दैट वाज वे टू हाई। और वे टू हाई से मतलब हमारा एक्चुअली में वे टू हाई, डबल भी कॉस्टिंग समझ में आता है। एग्जैक्टली, अभी मेरा ट्रायम्फ टाइगर में सेम चीज हुआ है, उसका कितना पैसा लगाया और इसका कितना पैसा लगाया ओवर टू सचिन। वो स्पोक फिटिंग एंड देन रिम को बाइक में इंस्टॉल करने का चार्जेस दे हैव अप्लाइड अराउंड 7,000 रुपीज, विच इज डबल नहीं ट्रिपल नहीं फोर टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। एंड व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट का कॉस्टिंग इन लोग ने 1,400 रुपीज़ लगाया था, वेयर एज किरण के इंश्योरेंस बिल में 400 में एवरीथिंग दे हैड डन। लेबर वर्क भी अंडरस्टैंडेबल है कि मेरा स्पोक व्हील्स नहीं था, लेकिन उस चल ना 400 रुपए लिया था ना, 400 रुपए का आप 1,000 ले लो, 2,000 ले लो। दिस थिंग इंश्योरेंस गाय हाईलाइटेड मी कि सर बोला कि मैंने BMW में भी क्रॉस चेक किया, बिकॉज आई डू दिस ऑन डेली बेसिस, सब बाइक्स का मुझे पता है। दो रिम्स का कॉस्ट जो होता है स्पोक फिटिंग एंड टायर फिटिंग का, इट शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 1,500। तो फिर भी उसने बोला कि मैं 2,000 पास करने के लिए रेडी हूँ, 7,000 आई वोंट बी एबल टू पास। फाइनली जब फोन पे बातचीत हो गई उन लोग के साथ, मैंने बोला जो भी है सॉर्ट आउट कर दो। मैंने उनको बोला डोंट मेक मी कम देयर एंड डोंट वेस्ट माय टाइम, ट्राई टू सॉर्ट इट आउट विद इंश्योरेंस गाइज एंड आप लोग जो भी है, क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादा कॉस्टिंग लगाया है एंड उसका भी प्रॉपर बिल नहीं दिया था, एक कच्चा बिल जहाँ से भी उन्होंने करवाया था वो कच्चा बिल दिया था। इंश्योरेंस वाले लोग ने ये भी कहा कि अगर वो लोग हम लोग को पक्का बिल देते हैं सुजुकी के वो लेटर हेड और जैसे भी अपना प्रॉपर बिल होता है अगर वैसा देते तो मैं फिर भी चलो मैं दे दूंगा आपको वो अमाउंट, लेकिन इन लोगों को जब हम लोग ने बोला बिल सबमिट करो उधर, तो उन्होंने लिटरली हैंड रिटन जो बिल रहता है ना वो हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पर, आप देखो वो हैंड रिटन बिल इंश्योरेंस वालों को दिया। हम दोनों को बाइक का बहुत नॉलेज है तो हम लोग को पता था कि ये 7,000 रुपीज गलत है, लेकिन somebody who is just coming into this biking world और अगर उसको बोला जाता 7,000 तो वो पे भी कर देता। बिकॉज दिस वॉज कैशलेस नहीं था ना, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। अगर कैशलेस होता ना तो ये पहले बिल जनरेट करने से पहले इनको प्रॉपर बिल देना पड़ता था। तो यहाँ पर दो चीज सीखनी है गाइज हमें, पहली चीज कैशलेस लेनी है इंश्योरेंस ले रहे हो तो, और दूसरी चीज मेक श्योर करो कि कभी भी आप कोई भी सर्विस सेंटर में जा रहे हो तो डोंट गेट चीटेड गाइज, क्योंकि 5 रुपए का 500 रुपया लगा कर देने के लिए ऐसे बैठे हुए बहुत सारे पब्लिक, एंड दिस इज न्यू सर्विस सेंटर, वी ट्रस्टेड देम कि यार सब कुछ ठीक होगा, बट अगेन वी ऑल्सो मेट लॉट्स ऑफ आर सब्सक्राइबर्स देयर एंड दे वर लाइक कि ये है ना तुम लोग जैसे सीजन बाइकर्स के साथ नहीं करना चाहिए इनको, इनको है ना, मैं बोली सीजन बाइकर हो या फिर जस्ट मैच्योर बाइकर हो, कोई भी बाइकर हो, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सो मेक श्योर करो इफ यू आर टेकिंग बिग बाइक्स, इट्स नॉट अबाउट कि 500 रुपया ही भरना है, नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी, नो फ्रैंकली एवरीवन अर्न्स देयर मनी बाय देयर ब्लड एंड स्वेट, तो आपको हर एक पैसे के लिए BMW का रेडिएटर ग्रिल कितने का है आप लोग गेस करो जस्ट 2 सेकंड का पॉज लेता हूँ। डेफिनेटली हम लोग ने भी वही गेस किया था कि 1250 GS का रेडिएटर गार्ड जो BMW से लेते हैं वो एटलीस्ट 10,000 तो लगेगा, राइट? नहीं, 4,000 का रेडिएटर ग्रिल्स है BMW 1250 GS। जरूरी नहीं कि हर चीज बड़ी बाइक है तो महंगी होनी चाहिए, आपको समझना है यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल गोइंग टू एनी सर्विस सेंटर, लेट इट बी योर 100 cc बाइक और 1250 cc बाइक,
मेक श्योर वेन एवर यू गो टू एनी सर्विस सेंटर आप हर एक की कॉस्टिंग अच्छे से समझिए, जानिए और फिर ही उनको पे करिए. अगर आप एक बार पे कर देंगे ना तो उनको लगा कि एक जन को बना दिया है तो ऐसे तो हम और 10 जन को बना सकते हैं. मेक श्योर करो जब भी आप सर्विस सेंटर जा रहे हो ना तो उनका जो जॉब कार्ड होता है उनमें से आपको क्या क्या प्रॉब्लम है बाइक का वो उनको लिखवाओ और उनसे पूछो कि आपको क्या लगता है और क्या क्या करना चाहिए हमें सर्विसिंग में. नहीं तो वो लोग अपने हिसाब से और भी चार्जेस कर लेंगे और उसकी चार्जेस फाइनली आप लोग से ही लेनी है. तो ये सारी चीजें आप लोगों को दिमाग में रखनी है एंड प्लीज डोंट गेट चीटेड गाइस. और एक हमारे सामने एक इशू किया कि बंदे का 3000 किलोमीटर वीस्ट्रॉम 650 का सर्विस, मतलब 3000 किलोमीटर के बाद में सर्विस के लिए आया था, आई थिंक सेकंड सर्विस था, एंड द गाय ओवर देयर ही वाज कटिंग देयर हिज फिफ्थ सर्विस का कूपन व्हिच इज रियली रॉन्ग. देयर वाज जस्ट 24000 का है वो एंड 3000 का 24000 का. तो ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजों दिमाग में रखनी है. अनदर मेजर थिंग दैट दीस गाइस डिड इज लाइक रिम हम लोग को 20% डेप्रिशिएशन करके उसका पैसे से सैलवेज अमाउंट बोलते हैं. आप कुछ भी इंश्योरेंस में आपका क्लेम होता है, लेट्स से आपका रिम्स है या और भी कोई चीज है, तो यू कैन टेक इट बैक आल्सो बाय पेइंग 10% 15% or 20%. हर इंश्योरेंस कंपनी का अलग अलग रहता है. तो वी टोल्ड देम कि देखो अगर वो नहीं मांग रहे तो हमें दे दो वापस, अदरवाइज वी आर रेडी टू पे 20,000 एंड दिस इज लीगल गाइस. ये इंश्योरेंस वाले ने भी हमें बोला कि 20% पे करके आप रिम ले सकते हो. प्लस ये हम लोग को सर्विस सेंटर वालों ने भी बोला था हम लोग का रिम बीच में से काट दिया गया है, अलग अलग दो पार्ट कर दिया है, उसमें छोटा सा यार हम लोग 2-3 महीना ना राइड नहीं करते तो एक छोटा सा हम लोग को दिखा था, आप लोग ने देखा था वो, हम लोग ने सोचा ठीक है ना अभी 2-3 महीने वैसे भी राइड नहीं करे तो इंश्योरेंस में पड़े रहने देते, इट्स ओके विद अस. वो रिम को ही काट दिया बीच में से गाइस. तो इट वाज सो हर्ट, दे डिडंट इवन कॉल अस फॉर द अप्रूवल कि क्या हम आपका रिम काट दे. हाँ, आपको चाहिए नहीं चाहिए, 20% एंड ऑल दैट कुछ नहीं. मैं वहां पे जाने के बाद पूछा कि क्या हुआ रिम्स का, वो रिम पूरा बीच में से दो फ्रस्ट्रेटिंग गाइस, आई वाज लाइक कि ये मेरी सोने जैसी दिखने वाली रिम, एकदम दुखी वाला सीन था वो. ऐसा दो अच्छे रिम्स इतने जो मुझे इतना संभाल के लेके आए, वो रिम्स को काट डाला. काट अरे थोड़ा डैमेज कर दो अगर करना है तो काट ही दिया यार. इट वाज सो It didn't feel good, guys. बाइक को ना बाइक की कोई भी चीज खराब से खराब हो जाए लेकिन काट मत दो यार चीज को. Anyways, guys, whatever it is, don't get cheated. Don't get cheated. We just wanted to make this awareness video and want to make you guys understand that do not get cheated. This is like this was very heartbreaking for us being a being a biker who's riding since 10-11 years. We're not just coming into the biking world or हमें हमारे साथ ऐसा हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट. तो अगर एक्सपीरियंस इंसानों के साथ हो सकता है तो मैच्योर के साथ भी हो सकता है. सो जस्ट सो बी केयरफुल एवरीवेयर, बाइक इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, दिमाग और आंख कान खुले रख के सब काम करिए.